हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। और अभी अभी मैं जस्ट पूजा करके आई हूँ, मैंने दिखाया आपको। अब मैं जा रही हूँ ऊपर छत में, क्या वही नहाने के बाद कपड़े फैलाने। अब चल रही है, मेरी कुकू कर रही थी क्योंकि मैंने उसको बाहर कर दिया था, परेशान करती है। मैंने धोए था मैट्रेस प्रोटेक्टर, उसको भी डालना है छत में ताकि शाम तक सूख जाए, क्योंकि नहीं तो फिर वो हो जाता है, क्या बोलते हैं। वैसे आज बादल है यार, मैंने गलत टाइम पे धो दिया लगता है मुझे। देखो सूख जाए शाम तक, तो क्योंकि ना प्रोटेक्टर, ये प्रोटेक्टर लगा देने से ना मैट्रेस जो है ना थोड़ा कम गंदी होती है। मतलब क्योंकि मेरा भैया जो है ना बहुत चीज़ें बिस्तर में गिराता है, क्योंकि हम लोग खाना वगैरह बिस्तर में ही बैठ कर खाते हैं, इसलिए क्योंकि हमारे घर में कुत्ते हैं और उनके बाल चारों तरफ घूमते रहते हैं, इसलिए खाने पीने का जो भी काम होता है वो सब ऊपर ही होता है, बेड में होगा या सोफे में, टेबल में, ज़मीन में नहीं बैठते, ये तो बाल भर जाते हैं चाहे जितना साफ करो, बट हो जाता है। फिर खाने में अगर बाल आ गया ना तो फिर तो खाना अंदर जाता नहीं है। मैं फैलाती हूँ कपड़े और धूप में ऐसा है, सूरज सुबह तो थोड़ी तेज़ भी थी धूप, अभी तो एकदम से गंदी सी हो गई है, हल्की सी, और ये धुंध तो पता नहीं क्या है। मैं आ गई हूँ ऊपर से और चेरी को खाना चाहिए क्योंकि इनका डॉग फूड हो गया ख़त्म। मैंने सुबह जब बच्चों के लिए लंच बनाई थी तब मैंने इनको रोटियां बनाकर दे दी थी दोनों को, लेकिन चेरी हमारी ज़्यादा ही कुछ खौवड़ है तो अब उसे फिर से चाहिए खाना। खाना खाना टूटी गई। नहीं नहीं नीचे नीचे नीचे, वो नहीं पे बिछा हुआ है तो पूरा गंदा कर दोगी उसको, वाइट है वो। अभी चलते हैं, देते हैं खाना। और भैया ने यहाँ पे कबाड़ फैला रखा है, ये कल इसने ना मुझसे निकलवाया एक ऑनलाइन, पता नहीं क्या इसने ये आयरन मैन का वो किया डाउनलोड, और फिर इसने, मैं बेटू का कागज़ निकलवाने गई थी तो इसने निकलवा लिया। अब इसको काट के रात में इसने यहाँ पे बेड पे चिपकाया हुआ है। ये बचपन में क्या करता था, छोटा था जब और भी ज़्यादा छोटा था, वैसे भी अभी छोटा ही है, तो ये क्या करता था कि इसमें वो कर देता था नेम स्लिप जो होती है, अगर ये पा जाता था तो ये पूरा पूरा नेम स्लिप का जो वो होता था शीशे में चिपका देता था पूरा। अभी भी इसमें हल्का सा वो बना हुआ, इतना मैंने साफ किया है लेकिन वो नहीं हटा है, या ये लगा हुआ है ये पूरा। इतना फिर डांटती थी, वो करती थी बहुत बदमाश, बहुत बदमाशी करता था। मतलब कमरे में कोई एक, मतलब एक ससुराल में जब रहती थी तो एक कमरा था जिसमें रहते थे हम लोग, उसी में पूरा सामान, दो बच्चे कुत्ते सब रहते थे, लेकिन और ऊपर से भैया की बदमाशी, क्योंकि ये होता था कि कहाँ रखो सामान, कहाँ छुपा कर रखो, वो पा जाता था कहीं ना कहीं से, और वो बस बदमाशियाँ। अभी तो फ़िलहाल वो मेरे जो नेल पॉलिश नेल पेंट है उनको नहीं छूता है। नहीं, वो क्या करता था ना, पहले बच्चों के मैंने गुल्लक बनाए हुए हैं तो वो नेल पेंट पा जाता था ना तो अपने गुल्लक को पूरे मेरे नेल पेंट से पेंट कर देता था। अब उसका आजकल यही सब आयरन मैन स्पाइडर मैन ये सब चल रहा है, आयरन मैन कुछ ज़्यादा ही फैन है। अब जा रही हूँ मैं इनको फिर से रोटी बना के दे दूँ। नहीं, ये मैं जहाँ मैं बैठूँगी वहीं ये बगल में बैठ बैठ कर कूँ 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 करती रहेगी, ऐसे कान खाएगी। तो मैं इसको पहले रोटियाँ बना कर, ऐसे तो खाएगी नहीं, दूध में डाल के दे दूँगी तो खा लेगी, और टाइसन को भी दे देती हूँ, उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी जाकर खाना। जाती हूँ करती हूँ, नहीं तो फिर लेट हो जाएगा। ये पागल, ये क्या खाना है? क्या खाना है? खाना खाना है? टूटी खानी है? टूटी खाएगी है? पागल पागल हो गई, बस अभी ऐसे ही पागलपन करेगी। भागी भागी भागी, पकड़ो 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 पकड़ो। ये चल रहा है एकदम, पढ़ाई है, कल इनका एग्ज़ाम है और बिल्कुल एकदम गहन पढ़ाई में ये घुसे हुए हैं। इनके पेपर में यही आने वाला है, पेपर स्कूल में याद कर लिया है। अरे तुमने पढ़ा
ये और उनकी ड्रेस देखिए, वो ब्लेजर वहां पे पड़ा हुआ है, कैसे गुंजेट के इन्होंने फेंक दिया है। अभी खाने वाले हैं एक परसों। हाँ। बच्चे आ गए मेरे स्कूल से और अब मुझे जाना है बाहर, क्योंकि दाले, एक दाले। काम निकल आता है, मेरा चश्मा गिरा जा रहा है, टूट जाएगा मुझसे चश्मा, बहुत टूटता है। मैं चश्मा रख देती हूँ बेड में, फिर खुद ही उस पर बैठ जाती हूँ और वो टूट जाता है। तो बहुत संभाल के मुझे ध्यान से रखना पड़ता है। ओके तो अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि बेटू की जो कॉपी एक खो गई है, जो कि मुझे लग रहा था कि खो ना जाए इसकी कोई कॉपी, सो वो खो गई है। और अब ये लेके आई है अपनी फ्रेंड की कॉपी, तो अब लिख तो सकती नहीं क्योंकि कल से इसके एग्ज़ाम्स चालू है। सो अब अगर उसको वो करेगी बैठ के तो फिर याद कब करेगी, तो इसलिए वैसे उसको याद रहता है सब कुछ पहले से ही, लेकिन फिर भी एक रिवीजन के लिए चाहिए होता है। सो क्या कर रही है ना कि ये ले आई है, सो मैं जा रही हूँ उसकी फ़ोटोकॉपी करवा लेती हूँ, तो लिखने का झंझट ख़त्म हो जाएगा। हाफ ईयरली तक का मैं पूरा इसका फ़ोटोकॉपी करा देती हूँ। सो मैं जा रही हूँ और भैया भी जा रहा है, भैया भी जा रहा है। एक दो बार खिला देना। बर्गर नहीं, सिर्फ थप्पड़ खिलाऊंगी मैं, बड़ा है। कल गया था इसने, मतलब सोचा कि अब दोबारा मम्मी लाएगी नहीं लगता है, तो इसने दो बर्गर खाए एक साथ, बहुत ही ज़्यादा। मतलब ये बाहर का चटपट और जंक फूड खाने के लिए इतना ज़्यादा रेडी रहता है ना, और फिर इसीलिए बीमार भी यही सबसे ज़्यादा होता है घर में। इसको हमेशा कुछ ना कुछ पेट में इसका इशू बना रहता है, पर अभी कुछ दिनों से शांति है तो मुझे बहुत सुकून है, क्योंकि यहाँ की लाइट फालतू में क्यों जल रही है। यहाँ पे चेयरिस होती है, अभी आज मैंने सोफ़े कवर धो दिए, क्योंकि ये जो लड़की है ना, ये मेरे सोफ़े के कवर, सोफ़े में ही सोती है, तो ये पूरा इसने सोफ़ा इतना गंदा मचा रखा था। अब क्या चाहिए, खाना तो खा लिया तुमने, अब तुमको क्या दें हम। तो मैं निकाल लेती हूँ स्कूटी, एक तो स्कूटी निकालने में इतनी, मतलब एक तो ये कैमरा, स्कूटी निकालने में इतनी महाभारत होती है, यहाँ पे ध्यान देना पड़ता है, जरा सा इधर उधर हो ना तो फिर गाड़ी जो है गाड़ी ठुक जाएगी। और ये चेरी ने हमारे यहाँ पे पॉटी भी कर दी है, और अब मुझे और भी ज़्यादा एकदम जैसे खतरों के खिलाड़ी वाला टास्क परफॉर्म करना पड़ेगा, ताकि मेरा ना तो स्कूटी जाए पॉटी में, ना मेरा पैर जाए पॉटी में, नहीं मुझे फिर से नहाना पड़ेगा। मैं नहाना नहीं चाहती, ठंडी में एक बार नहा लिया वही बहुत होता है, सबसे बड़ा काम होता है नहाना ठंड में, क्योंकि नहाने के बाद थोड़ी देर तक मुझे ना मेरी नाक में एकदम सनसनी सी मची रहती है। सो हम निकलते हैं और लौट के आते हैं, फिर मिलते हैं, क्योंकि रास्ते में कोई ब्लॉगिंग नहीं होने वाली है, क्योंकि डर लगता है आजकल, इतने सारे वीडियो मैंने देखे ना, लोग फ़ोन खींच के भाग जाते हैं। इसलिए लौट कर आके फिर आगे का देखते क्या करते हैं। हम लोग आ चुके हैं मार्केट से और समोसा आए हैं, समोसा के चक्कर में लेट हुआ क्योंकि गर्मा गर्म निकल रहे थे, तो हमने सोचा ले लेते हैं। और वो चटोरा, वो छोला लाया है अपने लिए, छोले के साथ खाएगा। नहीं छोला खाऊंगा मैं। और सो अब हम खाएंगे बैठकर समोसा। कितनी मज़ा आ रही भैया को चटोरे में। अब मैं जा रही हूँ ये पेंट, पेपर ब्रश नहीं है पेंट करने वाला, ये पुराना वाला रखा था, सो इसी से कर रही हूँ, देखती हूँ कलर तो नहीं आना। सो मैं पेंट करने जा रही हूँ जो वो रखे हुए हैं ना पॉट, पौधों वाले, तो उनमें सोच रही हूँ मैं पेंट कर देती हूँ, फिर देखते हैं कैसे पेंट होता है। तो ये कैमरा बहुत ही ज़्यादा गंदा फोकस करता है। सो ये मैं करना शुरू करती हूँ, इनमें करना है मैं। तो पेंटिंग हमारी चालू हो गई है, तो पेंटिंग कुछ इस तरह से हो रही है कि हमारा ब्रश भी नहीं चल रहा है। बस फॉर्मेलिटी करे दे रहे हैं, हमें ब्रश आना चाहिए था पहले मुझे पेंटिंग करने में, बट कोई नहीं, क्या है उसी में काम चला हुआ, और थोड़ा तो कम से कम कुछ ठीक लगेगा, ये सब गंदा लग रहा है।
इसमें डबल कोट मारना पड़ेगा तब जाके ये सही आएगा। इसे मैंने पेंट कर दिया है, इसे मैंने पेंट कर दिया है, इसे मैंने पेंट कर दिया। उसमें अभी एक कोट और करना पड़ेगा, फिर इनके ऊपर मैं ना थोड़ा सा वाइट से कुछ सर्कल राउंड जैसा बनाऊंगी। और वो हो रहा है सनसेट, ये बिल्कुल ऑलमोस्ट दिन डूब चुका है। अब मैं बनाने जा रही हूँ पुलाव, और पुलाव कैसे बनाऊंगी वो आपको दिखाती हूँ। गैस जला ली और मैंने इसमें डाल लिया ऑयल, मस्टर्ड ऑयल है क्योंकि रिफाइंड ऑयल था नहीं, ख़त्म हो गया है क्योंकि ये चल रहे हैं महीने के लास्ट दिन, तो अब राशन भरा जाएगा इसलिए। सो ऑयल मेरा वैसे पहले गर्म हो गया था, मैंने फिर बंद किया है गैस को। सो अब मैं इसमें डाल देती हूँ तेज़पत्ता, ये क्या मतलब तेज़पत्ता, और इसको थोड़ा सा बंद होती हूँ। फिर अब जाएगी इसके अंदर मेरी प्याज, मैंने क्या क्या लिया दिखाती हूँ। ये प्याज है, एक प्याज लिए ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, मटर है, गाजर है, और ये दो मिर्ची हैं। सो अब जाएगी प्याज, और प्याज को ना ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी अच्छे से। प्याज मेरी गोल्डन हो गई है, और अब मैं इसमें ये गाजर डाल देती हूँ, थोड़ा सा इसको भी पकने दूँगी, और ये टमाटर डाल देती हूँ, छिपके मार इसको भी थोड़ी देर के लिए, इसको भी मैं फ्राई होने देती हूँ। एंड इसमें मैं ये दो मिर्ची डाल दे रही हूँ, इनको मैंने छोटी छोटी नहीं कट की है, बीच से जैसे इसमें चीरा लगा दिया है। और इसमें मैं ये डाल देती हूँ ये अदरक लहसुन का पेस्ट, ये अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने इसमें डाल दिया, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे पूरा। थोड़ा सा जो अदरक लहसुन है ना उसको भी भुनने देंगे ताकि उसकी एक अच्छी सी स्मेल आए इसके अंदर। सो ये भुन गया है, और इसमें अब मैं ये मैंने काली मिर्च, लौंग, बड़ी वाली इलायची, और एक वो लाल लाल फूल होता है पता नहीं क्या है, वो सब मैंने हल्का सा उसको भुना था, मतलब रोस्ट किया था, उसके बाद मैंने उसका पाउडर बना लिया है, और मैं इसमें डाल दूंगी। और अब जाएगा इसमें मेरा नमक, सो नमक को भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ लगभग, हाँ इतना डाल दे रही हूँ, बाकी टेस्ट के अकॉर्डिंग देख लूँगी कितना डालना है। और जीरा मैं डालना भूल गई, कोई नहीं ऊपर डाल देती हूँ। सो यह हाफ जाएगा इसमें जीरा पाउडर, खड़ा जीरा नहीं डालती, नहीं बच्चे एक एक बीन बीन कर निकालते हैं बाहर उसको। और अब मैं डाल देती हूँ इसमें दालचीनी का पानी बोल रही हूँ पाउडर, दालचीनी नहीं है, जायफल, जायफल का पानी, और इसको अच्छे से भूनूंगी। ये सब्जी ऑलमोस्ट मेरी वो हो गई है, पक गई है, और मसाला भी जो है ना पूरा भुन गया है। सो अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ अपना ये राइस, ये बासमती राइस है, इसको मैंने सोक करके रखा हुआ था, फिर मैंने इसका पानी निकाल दिया था। सो ये थोड़ा सा ड्राई हो गया है इसलिए, क्योंकि इनका फ़ोन आ गया था तो मैं बात करने लगी थी। अब मैं इसको इसके अंदर डाल देती हूँ, आलू नहीं डाले हैं इसमें, मैंने बिना आलू का बना रही हूँ, हाय मैं जल जाती हूँ हमेशा। ये चला गया इसके अंदर, अब इसको कर देते हैं हम मिक्स, ये ऐसे करके ये मैंने मिक्स कर दिया है। और अब मैं इसमें डालने वाली हूँ ये सैफ्रॉन जो है, मतलब क्या बोलते हैं इसको, केसर, केसर को मैंने दूध में भिगो के रख दिया था 10-15 मिनट के लिए, तो इसमें अच्छा सा कलर आ गया है, और इससे ना इसमें कलर भी बहुत अच्छा आएगा, और इसमें जो स्मेल है ना वो तो क्या लाजवाब आएगी। ओके सो ये हो गया है, और मैं इसमें डाल देती हूँ घी भी मैं डाल दूँगी, और ये घी ख़त्म है यार इसमें। ये मैंने लिया एक चम्मच देसी घी,
और इसको मैंने इसमें डाल दूंगी और इसको कर देंगे अब हम मिक्स। एंड बस अब इसमें डाल देंगे हम पानी। सो इसमें पानी नाप कर डालेंगे, देखेंगे क्योंकि पहले से इसको सोक किया हुआ ना तो उतना ज़्यादा पानी की ज़रूरत है नहीं इसमें, नहीं तो फिर वो गीला गीला सा बनेगा। देखती हूँ कैसा बनता है। सो ये मेरा पुलाव हो गया, अब देखती हूँ इसमें और पानी जाता है क्या। पानी मुझे लग रहा है थोड़ा सा और जाएगा तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देती हूँ बस, और इसको मिक्स कर कर एक सीटी आने तक छोड़ दूंगी। एक सीटी आएगी उसके बाद मैं इसको बंद कर दूंगी। अब हम लगा देंगे इसमें लिड और इसको छोड़ देंगे एक दो सीटी आने तक बस। सो ये है हमारा पुलाव जो कि पक चुका है, इसमें एक सीटी लगाई थी मैंने, मैंने कहा ज़्यादा ना पक जाए कि तो फिर वो गीला गीला सा हो जाएगा ये। अब इसको मैं परोसती हूँ प्लेट पे। सो ये है बेटू की थाली, थोड़ी सी तुचकी पुचकी है, कोई बात नहीं चलेगा। और अब हम इसको इसमें ऐसे डालने वाले हैं और मुंह में पानी आ रहा है मेरे। चलो तो फिर ये हो गई बेटू की थाली तैयार और इसकी स्मेल बहुत अच्छी है, आप भी खा लीजिए। और अगर पानी आ रहा हो मुँह में तो कोई बात नहीं, इनके पैर दर्द हो रहे हैं, मम्मी सेवा कर रही हैं और बेटा जी ये खेल रहा है। और इनके पेन में कभी भी कैप नहीं होते हैं, पेन के सारे कैप निकाल के फेंक देते हैं। ये सो गए अभी। जैसे ही पैर दबाना बंद वैसे ही इनका चिल्लाना चालू हो जा रहा है और इनके चेहरे की मधुर मुस्कान से कैसे लग रहा है कि इनके दर्द हो रहा है पैरों में, कोई बताएगा। और एक ये हैं जो सीधे एंगल में आप अगर देखेंगे तो आपको टीवी दिखेगी इनके, जो सिर्फ और सिर्फ टीवी में मगन रहती हैं हमेशा। मजा आ रही थी पिक्चर आ रही है बदला, बड़ी अच्छी पिक्चर है, एकदम इंटरेस्टिंग वाली स्टोरी है इसकी, मज़ा आ रही है देखने में। कुछ कुछ पिक्चरें ऐसी होती है ना जिनको मतलब देखने में थोड़ा थोड़ी देर में इंटरेस्ट आने लगता है। सो अब हम जा रहे हैं सोने क्योंकि खाना भी हो गया, थोड़ी देर हम टीवी देखेंगे, फिर मैं शायद वीडियो एडिट करूँगी और फिर हम सो जाएंगे। सो मिलती हूँ आप सबसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।